एलएसी पर ठंड आने से पहले ही चीन ने घुटने टेक दिए हैं। पैगोंग में ठंड से चीनी सैनिकों की हालत खराब हो चुकी है और एलएसी पर बढ़ती ठंड से उनकी तबीयत बिगड़ गई है चीनी सैनिकों की। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। चीनी सैनिकों ने अपने टेंट खुद उखाड़ दिए हैं। भारतीय सैनिकों पर ठंड और बर्फबारी का असर इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह की है और इसके अलावा वो इसमें इस तरह से इस पूरे सर्दी के मौसम में ठंड के मौसम में रहने के आदि है, लेकिन चीनी सैनिकों की हालत खराब हो चुकी है। सुधीर जी, आप तो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, जब इस जगह पर जब हम यहां पर टेरेन्स में वॉर की बात कर रहे हैं और जहां पर ठंड -50 डिग्री तक पारा या इस कदर नीचे जाने की बात हो, इस कदर तक जा सकता हो, उस समय यह खबर कि चीनी सैनिकों से ठंड नहीं सर उनसे बर्दाश्त हो रही है, यह कितनी बड़ी खबर है, कितना बड़ा झटका है पीएलए के लिए? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जो चीनी सेना है वो एक पेशेवर सेना नहीं है और हाई एल्टीट्यूड्स पर उनका कोई ट्रेनिंग एक्सेट्रा नहीं है। दरअसल बात ये है कि चीन ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना लंबा चलेगा। अभी तक जो भी बॉर्डर क्लैशेस हमारे इस तरह के हुए हैं पीछे के कालखंड में, उसमें चीन ने देखा कि एक आध महीने में भारत ले दे के हट जाता था या सॉल्व कर लेता था, लेकिन इस बार भारत न ही सिर्फ डटा है बल्कि चीन की सेना को खदेड़ रहा है। और भारत की यह रणनीति है कि जितने ठंड में ये मामला जाए चीन की सेना भागेगी और हम अपना जितना पोस्ट है लद्दाख में वो सारा री ऑक्यूपाई करेंगे। और चीन यही रणनीति में फिसल गया है और चीन के लिए ठीक है। सर मैं आता हूँ आपके पास, इस बारे में और समझेंगे कि इसमें स्ट्रेटेजिकली भारत को क्या एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।